वहाँ फ्लक्चुएशन ब्रेक डाउन के लिए वन को काफ़ी एसोसिएशन मिला था एंड नाउ अब कर आ गए हैं। तो बताइए खूबसूरत हंसी है यहाँ पर, बताइए कि क्या कुछ आप मेरा फ्यूचर में दिखाने वाले हैं, क्या कुछ आप लोग अपने नखरे दिखाने वाले हैं, क्या फिर आप लोगों के क्या कुछ अंदाज में आप लोग आने वाले क्रैक डाउन टू में, या फिर कुछ क्रैक होने वाला है या डाउन होने वाला है, आई डोंट नो, आप लोग बताने वाले। क्रैक डाउन वन में जिन्होंने जलवे दिखाए थे उनसे पहले पूछते हैं, क्योंकि क्रैक डाउन वन मैंने देखी थी सीरीज और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। एक तो दो इतनी सुंदर लड़कियाँ, इतना अच्छा एक्शन कर रही थी बालुषा और श्रेया, बहुत सरप्राइज किया था उन्होंने पूरे शो में। तो उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लग रहा है दो तक आने में। आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई सर्वाइव्ड वन, हाँ, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लास्ट सीन जो था इन इन सीजन वन विद एवरीवन इज शूटिंग एट मी, एवरीबॉडी जस्ट वांट्स टू हैव मी डेड, सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू Apurva sir to keep me and you know I survive and I don't die, so I had a great season one, and you know that the response was tremendous, especially for my character, such a great character that I got to play, you know, action that I actually is a genre that I've always wanted to explore. So of course, and then season two, we've got a lot of machinery. There is of course hand-to-hand combat, magar yes, of course AK-47 se leke pistol, you know, pistol tak we have used all machines in this, and it was great to get you know, Sonali, so cool, that's her pet name so it was so great to get you know, so cool to our season two. It was great working with her, completely down to earth, and as you before this she was massaging my back. Oh. Wow. And she's yes, and ये quality भी आती है। मेरी co-star है तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, और उन्होंने जितना भी खून खराबा दिखाया है सीजन टू में, लेकिन वी आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड वी आर सपोज टू बी टेक्निकली अवेयर, तो जो भी फाइट सीक्वेंसेस हुए हैं उसमें वालुषा ने बहुत ख्याल रखा है अपने co-stars का, तो बात तो बनती है ना, आई हैव टू केयर फॉर हर, मतलब this is not a joke, this is telling you the truth. All the actors on this show, we are getting to know each other, some of them I'm working for the first time, and it was lovely knowing them. Thanks to Apurva, our director Apurva Lakhia, unhone itna acha ensemble collect kiya hai is season 2 mein, ki ek chhota sa actor ho ya koi bada kirdar kar raha ho, सबके लिए उन्होंने इतने अच्छे गाइडलाइंस रखे थे। अब जब देखोगे शो तो आपको पता चलेगा कि इतने छोटे रोल में भी ये बंदा करेक्ट है, और कोई नहीं हो सकता था। आपको सेम फीलिंग आएगी जब आप देखोगे अवंतिका श्रॉफ मेरा कैरेक्टर, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कैरेक्टर स्केच बनाए हैं, हमें पेश किया है, सब लोग हम बड़े ह्यूमन हैं, ऐसा नहीं है किसी एक एम्बिशन को लेकर बिल्कुल ही अवास्तव चीज़ें दिखा रहे हैं, हम बड़े ह्यूमन हैं, हमारे सपने भी बड़े ह्यूमन हैं, और कुछ लोग गलत राह पे हैं, कुछ लोग सही राह पे हैं, और कुछ लोग अपनी राह ढूंढ रहे हैं, तो बड़ा मतलब मज़ा आया था ऐसा तो कह नहीं सकते थे, लेकिन सर्वाइव होना था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, तो हर एक को अपने कैरेक्टर में, अपनी जर्नी में और सीजन में सर्वाइव होना था, हमने कोशिश की है, और अब ऑडियंस के ऊपर है हमें स्वीकारना, हमें बिल्कुल अश्योरेंस है कि आप अच्छे से देखोगे। 25 मई से पहला एपिसोड आ रहा है, तो आप ज़रूर देखिए। अरे दो ब्यूटीफुल लेडी अगर एक गलत रास्ते पर जाने वाले इंसान के सामने आए, उनसे प्यार से समझाए, तो आई थिंक वो बहुत इजी सही रास्ते पे आ सकते हैं ना। सी दैट इज नॉट माय कैरेक्टर, गरिमा कालरा इज अनफॉरगिविंग, शी इज रूथलेस एंड शी डज नॉट care about what you think and what you feel. She's on a mission and that is her focus is just there, so I'm not quite sure, you want to answer that? Avantika Shroff to puri koshish karti hai, Avantika Shroff fasi hui hai, wo koshish karti hai,
उसके प्रिंसिपल्स एकदम जगह पे हैं, लेकिन वो कोशिश करती है कि लोग अपने देश के प्रति रिस्पेक्ट रखें, प्यार रखें अपने काम के प्रति. तो उसकी कोशिश कितनी कामयाब होती है ये मैं रिवील नहीं कर सकती. कामयाब होगी. चलिए, मुझे आपका समझ में आ गया आप क्या करने वाली हैं क्रैकडाउन टू में. नाउ आप बताइए कि लाइक तकरीबन कितने टाइप्स की गन चला ली है आपने एंड कितनी ट्रेनिंग हो गई आपकी गन चलाने की. जैसे कि आपने बताया AK-47 और यहाँ देयर वाज एन एके, देयर वर AK-47, देयर वर पिस्टल्स, देयर वर 22s, देयर वर सो मेनी guns and weapons that we could just pick. So Apurva was just like, whatever suits your personality, whatever you feel like firing off, just pick that weapon. So of course we had weapons training, how to hold, how to aim, how, you know, we did have that training as well. But I think secretly in my last life, I think I really was, you know, all like maybe लास्ट टाइम भी आपको देखा था क्रैकडाउन 1 में एंड नाउ आप इसमें देख रहे हैं. आपकी और भी एक सीरीज आई थी, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, वहाँ पे भी ऐसे गन वन ऐसे इस तरह के किरदार आपके लिए बहुत इजी हो गए हैं. लाइक ऐसे किसी को मार के गिरा देना, ऐसे मज़ा तो डेफिनेटली आता है, बट आई डोंट नो व्हेदर इट्स बिकम इजी, बट इट्स अ लॉट ऑफ फन टू एक्सप्लोर कैरेक्टर्स लाइक दिस. एंड विद मी आई लव द वर्क दैट आई डू. And I'm eager to get on the set, and I'm eager to create with my directors and my producers. So I feel like it's a blessing. So any character that comes my way, I give it 100%. But yes, a character such as Garima is exciting because you know, she's not only expressive in what she's saying and in her nuances, she's also expressive with her body language. You know, and that's something that I've not been able to do with you know, my other characters. Super. आप बताइए कि इस बार आपके संदर्भ में दिखाई देने वाले हमें क्या अपने थोड़ा बहुत ट्रेनिंग किया है कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और बताइए कि अंदाज में दिखाई देने वाले सुना. तो एक ऐसी रॉ चीफ है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनती, साड़ी पहन के आती है सामने, लेकिन लेकिन जैसे वालूशा ने बताया कि वो काफ़ी गन्स ट्राई आउट कर पाई थी, मैं काफ़ी लव्स ट्राई आउट कर पाई थी, काफ़ी ऐसे अथॉरिटी बिल्कुल, और जो लाइनें मेरे लिए लिखी गई हैं वो किसी भी गन से कम नहीं है. वो जो शूट करती है वो सुनने के बाद हिल जाते हैं लोग और उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है. तो ऐसे किसी की शार्प जबान होती है तो मज़ा आता है उस कैरेक्टर को देखने में. तो बहुत एटीट्यूड है और प्रिंसिपल्ड कैरेक्टर है, तो ऐसी अवंतिका निभाने में मुझे बड़ा मज़ा आया था, क्योंकि कभी कभी एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मन में बहुत आता है लेकिन सामने वाले को बोल नहीं सकते हैं ना, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि वो बुरा मान जाएगा. करेक्ट, बिल्कुल, हम माइंडफुल होते हैं, बड़े पोलाइट होते हैं, तो गुस्सा मन में ही रखते हैं. अवंतिका अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपने ऑर्डर्स इतने सही तरीके से पहुंचाती है कि कतराएगा कोई भी मेरे सामने आने के लिए अगली बार. तो अवंतिका का जो अंदाज है वो अगर वनुषा जी के सामने कुछ दिखाना चाहेंगे आप, ऐसे कुछ भी घायल हो जाए कुछ भी, या कुछ भी सुना जो आपका फेवरेट लाइन रही हो इस प्लेटफॉर्म पर. ये बहुत ही अच्छी पंच है, थोड़ा पीछे हो जाए एकदम. एक बहुत अच्छी लाइन थी कि किसके लिए, लाइक वालूशा जी के लिए है? नहीं नहीं, आई लव वालूशा, उसको मैंने नहीं डांटा लेकिन श्रिया को डांटा है. उसको जिस प्रकार से मैंने बाय बाय बोला है वो लाइन में रिवील नहीं कर सकती, लेकिन जब हम मिलते हैं तब मैं उसको बाय बाय बोलती हूँ. तो वो इतना ह्यूमिलिएटिंग है, और मुझे लग रहा था इतनी प्यारी है श्रिया, इतना अच्छा काम किया था सीजन 1 में, और मिलते ही मैं उसको इंसल्ट करके ये सुना रही हूँ. लेकिन वो तो दिल की बात है, हम कैरेक्टर्स पोर्ट्रे करते हैं, तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया था बोलने में. तो चलिए, स्ट्रीमिंग होने वाला है जियो सिनेमा पर इस बार, तो आप डेट के साथ में, मुझे पता है डेट क्या है लेकिन ऑडियंस को डेट के सामने रखा, इस साथ में आप बताना. 25 मई को
25th मई को क्रैकडाउन सीजन 2 के एपिसोड्स, पहले दो एपिसोड्स आ रहे हैं, उसके बाद एक आएगा, उसके बाद और दो आएंगे, और आई थिंक जून फर्स्ट वीक से पूरा शो आपके सामने रहेगा, फ्री रहेगा, तो आप ज़रूर देखिए। हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार है। लोग ऐसे घायल होते रहेंगे, पहले एक देखेंगे, तीसरा देखेंगे। हाँ जी, yeah, so just as Sonali said, it releases on the 25th of May on Jio Cinema. It is free. Everyone who watched Crackdown 1 has really, really loved it. So we're hoping that you come and watch Crackdown Season 2 with as much enthusiasm and love as you gave Season 1. We release two episodes on the 25th and then subsequently one episode every day. So yeah, it's going to be, you know, exciting, and I'm sure that you guys would love all the work that we've put in. Super. Thank you so much. Thank you so much.